let us note down all important statements that we have learned since last 2-3 classes. सारे फॉर्मूला सारे कॉन्सेप्ट फिल इन दी ब्लैक टाइप में भरेंगे, आपको भी सारा लिखना है, ठीक है। नेटफ्लिक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज द सरफेस is given by phi is equal to बताइए फॉर्मूला बताइए, डोंट वेट फॉर मी। वो तो नेट फ्लक्स कमिंग आउट इधर बात क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन जीरो। क्यू इन क्या है, चार्ज इनसाइड, इट इज द चार्ज इनसाइड। निधि कॉमन वीडियो पॉइंट नंबर टू, बस इतना ही आएगा। राइट गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म, बस इतना ही लिखने के लिए आएगा। क्या लिखना है, ई डॉट डी एस का वेक्टर साइन, एक भी चीज छोड़ना मत, क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऐसा करना है। यहां पर एस लिखना है, दैट इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन। नंबर थ्री, ई एट ए पॉइंट इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू डी फाई बाय डी एस एंड डायरेक्शन ऑफ ई is tangent to lines of flux. Next, the flux passing through an area A in an electric field E is given by E dot A. Very good. यही मैं चाहता था, E dot A. छोटे छोटे चीजें हो गया। नंबर फाइव, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू द फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर द फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस सॉरी at a distance r is equal to k q by r square. When you are in air, what is the value of k? 9 into 10 power 9. K is 1 by 4 pi epsilon 0. Hana? It is 9 into 10 power 9. Where k is 1 by 4 pi epsilon 0, value है 9 into 10 power 9. लिखाने की मकसद यह है कि अगला टेस्ट will be a fill in the blanks test. Next test on Tuesday will be a fill in the blanks test. Each question will be having 30 seconds. आपको एक एक वर्ड में आंसर लिखना है. So there will be 30 questions, 15 minutes we can do. खाली fill in the blanks आपको लिखना है. तो इसीलिए करवा रहे हैं. नंबर सिक्स, ड्यू टू ए बिफोर दैट जस्ट अ मिनट
the amount of trucks reaches a conducting surface. The amount of charge induced on that surface is Q is equal to minus pi epsilon zero. कितना चार्ज इंड्यूस होता है? माइनस फाइव एप्सिलॉन जीरो. नंबर सेवन, ड्यू टू ए चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R and charge Q. Bit number one. At a distance x, x less than R, E is equal to 0, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है. एट ए डिस्टेंस x, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू r, एट ए डिस्टेंस x वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, e का वैल्यू था क्या था? k q by x square. On the surface E was equal to, आप k q by r square कह सकते हो या फिर sigma by epsilon zero. What is sigma? Where sigma is surface charge density given by q by 4 pi r square. ठीक है, surface charge density given by q by 4 pi r square. तो पता चल गया कि ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है. और अगर हम वेरिएशन याद रखें तो वेरिएशन याद रखना बहुत जरूरी है. वो अक्सर पूछते हैं हाउ इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. आप डायग्राम की थोड़ा याद रख सकते हो, ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर है और इसकी सेंटर से जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होगा, तो आपको ये प्लॉट करना है. अब जानते हो कि अप टू ए डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आर इज जीरो. और उसके बाद ये बन जाता है कुछ दूसरा. कैसे? यू सी द वेरिएशन इज लाइक दिस. ऐसा होता है, ये आपको याद रखना है. ये क्या है? वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. याद रखना एक्स इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. दिस इज अबाउट ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर. नंबर एट, ड्यू टू ए लॉन्ग लाइन चार्ज, लॉन्ग लाइन चार्ज मतलब कितना लंबा लाइन चार्ज. हम बताए थे एनी लाइन चार्ज विल बी ट्रीटेड इज ए इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज व्हेन यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन क्लोज टू द लाइन चार्ज. मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कंसर्न
इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ दिस। अगर मान लो कि 2 मीटर का लंबा लाइन चार्ज है, यहाँ से 2 मिलीमीटर दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वहां से देखोगे तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज इसे ट्रीट करेगा। ठीक है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज मतलब नहीं कि राउरकेला से कोलकाता तक होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ड्यू टू ए लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ लैम्ब्डा कूलम्ब पर मीटर एट एनी डिस्टेंस एक्स, एट एनी डिस्टेंस एक्स ई इज इक्वल टू लैम्ब्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन एक्स। ये ठीक है। एंड लास्टली फॉर ए लार्ज सरफेस चार्ज ऑफ सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वेयर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एट एनी डिस्टेंस एक्स, एट एनी डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सरफेस ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन फॉर नॉन कंडक्टिंग सरफेसेस एंड इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन फॉर कंडक्टिंग सरफेस। सो यू क्लियरली सी दैट द एक्सप्रेशन डजंट बियर द टर्म एक्स, एक्स नहीं है, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो ई का वैल्यू फिक्स्ड है। तो इतना सारा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, उसका रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देखना पड़ेगा। बिफोर दैट मैं और एक छोटा सा डेरिवेशन करना चाहूंगा कि जो कि कभी भी स्कूल बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन जान लो क्यों छोड़े कोई चीज को, छोटा सा चीज को कर लेते हैं, डेरिवेशन नहीं आता है लेकिन याद रख लेते हैं, फाइनल आंसर को याद रख लेते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग डेरिवेशन, कंडक्टिंग स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग देखे हैं। Now let us see E due to a charge cloud, spherical charge cloud. ठीक है, E due to a spherical charged cloud. मतलब हुआ यूं है कि कोई एक स्फेरिकल जोन में है, ये एक स्फेरिकल जोन है, ये स्फेरिकल जोन में हुआ यूं है कि थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं कि यहां पर अभी कंडक्टिंग होता तो चार्ज सरफेस में होता, लेकिन अभी तो चार्ज हर जगह अंदर है, एवरीवेयर देयर इज चार्ज, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम। तो यहां पर थोड़ा आपका फंडामेंटल और इंटेलिजेंस का मैं यूज करूंगा ताकि मेरा मेहनत कम हो जाए, थोड़ा सोच लोगे तो आप बता दोगे। तो ऐसा करके चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम, से द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज रो वी, रो वी एक टर्म ले लेते हैं, जैसे सिग्मा लेते थे यहाँ पर रो ले लेते हैं। तो ये कोई एक स्फेरिकल क्लाउड है जिसका रेडियस आर है। लेट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो वी कूलम्ब पर मीटर क्यूब, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज रो वी कूलम्ब पर मीटर क्यूब, मतलब हर मीटर क्यूब में आपको रो वी कूलम्ब का चार्ज मिलेगा, है ना? ठीक है। तो अगर मुझे पूछा गया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट समवेयर आउटसाइड, यहां पे
एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर। थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो मेरा बताने से पहले भी आप आंसर बता दोगे। आई वॉन्ट टू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस एक्स। लेट मी इमेजिन ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। कौन सा पॉइंट के लिए? फॉर एक्स ग्रेटर देन आर। इफ आई कंसिडर ए गॉसियन सरफेस लाइक दिस, देन फाइव फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ डी गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा? इट इज क्यू इन बाय एप्सिलॉन जीरो। अब क्यू इन क्या है? यू नो द वैल्यू ऑफ क्यू इन, द चार्ज हियर, इसका टोटल चार्ज, टोटल चार्ज है। अच्छा टोटल चार्ज कितना है? इसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब इनटू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो इट इज रो वी, रो वी इनटू 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। तो मैं नीचे एप्सिलॉन जीरो डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो। थोड़ा समझा के लिखिए एक्सप्लेन करके। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 4 pi rho v r cube by 3 epsilon naught. This is the flux coming out of कौन सा surface area? This Gaussian surface area. कैसे पता चला? This is Gauss law. ठीक है ना? ये कौन सा law है? कभी भी mention करने के लिए छोड़ना मत, पक्का mention कर लेना। Gauss law mention करने से उसके लिए mark रहता है। So find the flux coming out of the Gaussian surface. और एक चीज भी ध्यान रखना, जब भी हम बोर्ड में एग्जाम में लिखते हैं चीजें ना, ऐसे लिखना flux coming out of the Gaussian surface, आप ऐसे सीधा लिख सकते थे। मैं इसको लिखा q in by epsilon zero। क्या होता है, सपोज यहाँ पर लिखते लिखते मैं कुछ मिसिंग कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया। क्योंकि आप स्टेटमेंट सही लिखे हो तो उसके लिए मार्क मिलेगा। जैसे अगर आपको पूछा गया कोई बॉडी का मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो हाफ आप ऐसे सीधे सीधे लिख सकते हो कि मास दिया है 5 kg तो 5 kg, वेलोसिटी दिया है 10 का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर, ऐसे करके लिखो, आपको पूरा मार्क मिलेगा, पूरा क्रेडिट मिलेगा। लेकिन सपोज कैलकुलेट करने में आप यहाँ पे गड़बड़ कर दिए हो तो पूरा का पूरा मार्क घट जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या है लिखने के लिए पहले लिखो कि हाफ एमवी स्क्वायर, फिर उसके बाद वैल्यू डालो, तो यहाँ तक की स्टेप मार्क में आपको मिल जाएगा कि हाफ एमवी स्क्वायर, पूरा स्टेटमेंट फॉर्मूला सही लिखा है। समझ में आ रहा ना? इसलिए लिखते वक्त भी ध्यान रखना सीधे सीधे वैल्यूज को मत डाल देना। मान लो कि कोई स्फेरिकल चार्ज है r डिस्टेंस में, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट वे राइटिंग द वैल्यूज, यू राइट के क्यू बाई आर स्क्वायर, देन दिस का वैल्यू डालो, तो के क्यू बाई आर तक बाकी का कैलकुलेशन गलत हो गया तब भी मार्क मिलेंगे। समझ में आया? हाँ, तो ये हो गया फॉर एक्स ग्रेटर देन आर। यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा? जितना चार्ज है इसके अंदर बाई एप्सिलॉन, इसके अंदर क्या चार्ज है? पूरा का पूरा चार्ज है बाई एप्सिलॉन जीरो। नहीं, अच्छा थोड़ा आगे बढ़े। ये जो फ्लक्स निकल के आ रहा है कहाँ से निकल के आ रहा है? ये वाला सरफेस एरिया से। तो हम कहेंगे व्हाट इज द नॉर्मल सरफेस एरिया? क्या कोई मेरा मदद करेगा? ए एन नॉर्मल सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया नॉर्मल टू फ्लक्स, ऐसे लिखो, इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट एंड मोर इंटरेस्टिंग टू राइट। सरफेस एरिया नॉर्मल टू फ्लक्स क्या बन जाएगा भैया? कितना सरफेस एरिया है? देखो, नो, ये सरफेस कोई एक स्फीयर है जिसका रेडियस x है, 4 pi x square। काफी लोग नहीं बोल रहे हैं, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 4 pi x square। ये हो गया सरफेस एरिया नॉर्मल टू दिस। इतना सरफेस एरिया में से इतना फ्लक्स निकल के आ रहा है, तो इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है? E इज इक्वल टू फ्लक्स कमिंग आउट बाय नॉर्मल एरिया। फ्लक्स तो अभी हम लोग देख लिए, क्या था फ्लक्स? द फ्लक्स वाज दिस क्वांटिटी 4 pi rho v r cube by 3 epsilon 0। इट इज 4 pi rho v r cube by 3 epsilon 0, और एरिया हो गया 4 pi x square। थोड़ा मार्क करो तो Q
क्या रहा है, देखो तो ये 4π 4π कैंसिल हो गया, आपको मिल रहा है इट इज कमिंग आउट टू बी रो भी आर क्यू बाय 3ε0 एक्सक्वायर, है कि नहीं? हाँ, ये बात है। अब इतना मेहनत करके हम लोग इस चीज को निकाले हैं, थोड़ा दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर हमारे यहां पर कोई एक स्फेरिकल चार्ज क्लाउड है, टोटल चार्ज है क्यू, तो यहां से एक्स डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हम बताए थे किसी भी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप पूरे को एक सिंगल चार्ज ले सकते हो। सिंगल चार्ज ले लोगे तो बन जाएगा क्यू, क्यू के लिए होगा के क्यू बाई एक्सक्वायर। अब क्यू का वैल्यू को डालने के बाद ये रो भी वगैरह है, अदरवाइज ये के क्यू बाई एक्सक्वायर। आप चाहो तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, के क्यू टोटल बाई एक्सक्वायर, यही है। क्यू क्या है? रो भी इंटू 4π3πr³, तो ऐसा रूप धारण किया है, अदरवाइज ये के क्यू बाई आर स्क्वायर ही है। क्यू क्यू टोटल का मतलब हुआ टोटल चार्ज इन द स्फीयर, समझ में आया? तो बाहर किसी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, इट इज वेरी इजी, और ये आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो। तो चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो या इंसुलेटिंग स्फीयर हो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेंट्रल चार्ज हो या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, बाहर किसी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला बन गया के क्यू बाई एक्सक्वायर, एज इफ इट इज ए पॉइंट चार्ज, ऐसे करके निकालना है। लेकिन अंदर निकालने पे अभी हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। फॉर एक्स लेस देन आर, फॉर एक्स लेस देन आर में इस केस को अब अंदर देखना चाहता हूं कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ठीक है, थोड़ा कोशिश करते हैं इसको। आप इसके अंदर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कहां पे? एट डिस्टेंस x व्हिच इज लेस देन r। वेल, थोड़ा कोशिश करते हैं, देखो क्या हो रहा है। मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहता हूं, कहां पे? इस पॉइंट पे, जो कि यहां से x डिस्टेंस में है। पहले हम समझेंगे कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किसके लिए बनेगा, ध्यान से देखना चीजों को। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किसके लिए बनेगा, आई कंसिडर ए गॉसियन सरफेस लाइक दिस, ये काफी बड़ा हो गया, मैं ऐसा बना लेता हूं, ठीक है। मैं ऐसा एक गॉसियन सरफेस लेता हूं, यहां पर देखो ऐसा एक गॉसियन सरफेस लेता हूं, इस सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये येलो वाले सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो किसके लिए होगा, जो इसके अंदर है कि जो इससे बाहर है? यहां से जो फ्लक्स निकलेंगे, द नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन द चार्ज इनसाइड और द चार्ज बिटवीन दिस आउटर स्फीयर एंड द इनर स्फीयर, इनसाइड वाले चार्ज के लिए। तो हम कहेंगे हाई फ्लक्स कमिंग आउट, फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस, आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस कितना है इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन जीरो। अब अंदर कितना चार्ज है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, ये जो पार्ट है उसका वॉल्यूम, ये जो पार्ट है उसका वॉल्यूम डिसाइड करेगा कि व्हाट इज द चार्ज इनसाइड। क्या वॉल्यूम है इसका? 4π3πx³/ε0। क्यू इन समझ में आया, इसके अंदर क्या चार्ज है और इसके अंदर क्या चार्ज है, और दैट विल डिसाइड व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस सरफेस। देखो यहां पर गॉस लॉ बड़ा काम कर गया है, द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन द चार्ज इनसाइड इट, इसके बाहर क्या है उसे हमें कोई मतलब नहीं है। कौन सा लॉ यूज किए हम? गॉस लॉ यूज किए। अच्छा, ये जो फ्लक्स निकल के आ रहा है वो यही सरफेस से निकल के आ रहा है, व्हाट इज द सरफेस एरिया फ्रॉम व्हिच इट इज कमिंग आउट, यू से ए एन,
और सरफेस एरिया नॉर्मल टू फ्लक्स, ये जो फ्लक्स निकल के आ रहा है उसको नॉर्मल होके क्या सरफेस एरिया है आदित्य? हाउ मच? चार बार अभी तक हम लिख चुके हैं सरफेस एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस एक्स कितना होता है? 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो ये होता है 4 पाई एक्स स्क्वायर। इस एरिया से इतनी सारी फ्लक्स निकल के बाहर आ रहा है, तो हम कहेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ए डिस्टेंस एक्स फॉर एक्स लेस देन आर इज ई इज इक्वल टू फ्लक्स कमिंग आउट बाय नॉर्मल एरिया। What is the flux coming out? The flux coming out is this entire flux rho v into 4 by 3 pi x cube by epsilon 0. यही है वो flux जो निकल के आ रहा है। कौन सा area से निकल के आ रहा है? From the area 4 pi x square. तो मैं भी वही करूँ कि ये flux निकल के आ रहा है कौन से area से? The area is 4 pi x square. तो ठीक है, इसको थोड़ा इधर रखो, लिखो इसको 4 पाई एक्स स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये कैसे आ रहा है, देखो नीचे एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स क्यूब, इधर 4 पाई इधर 4 पाई, सब मारपीट के कैंसिल हो गया, क्या मिला? रो भी एक्स बाई 3 एप्सिलॉन 0। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये फॉर्मूला ही इंपोर्टेंट है, और उससे ज्यादा इंपोर्टेंट है द वेरिएशन ऑफ ई विथ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर प्लॉट जो है वेरिएशन। चलिए ड्रॉ करके देखते हैं कैसे दिख रहा है। ये हो गया हमारा कंडक्टिंग, ये हो गया स्फेरिकल चार्ज क्लाउड जिसके अंदर हर जगह चार्ज है, चार्ज इज देयर एवरीवेयर इनसाइड दिस। और ऐसा एक चार्ज क्लाउड के लिए अंदर बाहर हमें अगर पता करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका वेरिएशन हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे विथ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस चार्ज क्लाउड, तो कैसा होगा चलिए देखते हैं। ड्रॉ करते हैं, ये हो गया ऐसे, डिस्टेंस के साथ प्लॉट कर रहे हैं और अप टू एक्स इज इक्वल टू आर बात कुछ अलग है, उससे बाहर कुछ बात अलग है। अंदर फॉर एक्स लेस देन आर यू सी ई, इसमें रो भी कांस्टेंट है, 3 एप्सिलॉन सब कुछ कांस्टेंट है, एक्स है वेरिएबल, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ई इज इक्वल टू समथिंग एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, नहीं वाई इज इक्वल टू एम एक्स, ये ई ले रहे हैं हम इधर और इधर ले रहे हैं एक्स, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में आएगा, तो दिस विल बी लुकिंग लाइक ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा और वो स्ट्रेट लाइन दिखने में ऐसा होगा सीधा। जैसे हम बाहर जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा e का वैल्यू था इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो ये बाहर कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहां पर e जो है प्रोपोर्शनल टू 1/x2, यहां पर e जो है प्रोपोर्शनल टू x। ध्यान रहे कि वेरिएशन ऑफ ई विथ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज सेम फॉर ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और ए चार्ज क्लाउड, दोनों के लिए वही होता है क्यू टी बाय के क्यू टी बाय आर स्क्वायर, क्यू टी मीन्स क्यू टोटल, के क्यू टोटल बाय आर एक्स स्क्वायर होता है, जबकि अंदर कंडक्टिंग स्फीयर की केस में जीरो होता था, अब ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना है, ई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो ये ग्राफ को आपको याद रखना है। गॉस लॉ का रिलेटेड एप्लीकेशन यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब इसके ऊपर ढेर सारे वैरायटी के न्यूमेरिकल्स आते हैं और हम लोग सारा न्यूमेरिकल को भी देखेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल को, ठीक है? होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। किसी को कोई डाउट है इसमें? सर, वायर सर, इन फाइनाइट लेंथ का अगर वायर है तो उसका इंटीग्रेट लिमिट कहाँ से आता है?
तो लिमिट करेगा, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, डीएक्स कहाँ से ले रहे हो उसके हिसाब से लिमिट लेंगे, एंगल के हिसाब से लोगे तो अल्फा टू बीटा लेंगे, और अगर एक्स के डिस्टेंस के हिसाब से लोगे तो माइनस वैल्यू से प्लस वैल्यू तक लोगे जो लेंथ है, वो तो इंटीग्रेशन फिक्स करने के बाद पता चलता है लिमिट क्या लेंगे, है ना। आप कल बताए थे कि चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर का भी रेडियस के अंदर स्टेटमेंट, अगर वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कोई इंसुलेटिंग स्फीयर को हम जहां भी चार्ज देते हैं वो वहीं पड़ा रहेगा, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर वो यूनिफॉर्मली सोच लो कि कोई आयोनाइज्ड गैस है स्फेरिकल फॉर्म में कहीं जमा हुआ है ना, तो चीजें ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। देयर आर टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई आर एंड टू आर, कंसेंट्रिक है। इनर स्फीयर पे चार्ज है क्यू, आउटर स्फीयर पे चार्ज है थ्री क्यू। दे आर कंसेंट्रिक कंडक्टिंग, कंडक्टिंग मेंशन किया गया। रेफर टू द फिगर शोन, एक एक करके हम लोग करते चलेंगे। बीट नंबर वन, व्हाट आर द चार्जेस ऑन द फोर सरफेसेस ऑफ द टू कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर्स। इनर स्फीयर में चार्ज है q, आउटर स्फीयर में चार्ज है थ्री क्यू, ऐसे दिया गया है। कोई चार्ज दे दिए होंगे इनर स्फीयर को q, बाहर वाले को थ्री क्यू। दो स्फीयर का चार सरफेस है, इसका अंदर बाहर, उसका अंदर बाहर, चारों सरफेस में क्या क्या चार्ज आपको दिखेंगे। तो शुरू करते हैं सोल्यूशन, ध्यान से देखना क्योंकि इसके लिए एक्सप्लेनेशन लिखना नहीं है, खाली समझना है। जो इनर स्फीयर है, जब आप इसको चार्ज दिए q, तो चार्ज कहाँ रहेगा? ये सिर्फ आउटर वाला सरफेस में ही रहेगा। ये छोटा स्फीयर की आउटर सरफेस में चार्ज मिलेगा q, और अंदर वाले में मिलेगा जीरो, क्योंकि जो भी चार्ज देते हैं किसी कंडक्टर को, इट गोज टू द आउटर सरफेस। अब ये q कूलम्ब चार्ज से फ्लक्स निकलेगा, बाहर और एक स्फीयर भी है, q कूलम्ब चार्ज से निकलता हुआ सारा फ्लक्स इसके अंदर वाले सरफेस में पहुंचेंगे, नहीं? Yes, और आप जानते हो कि अगर थाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स रीच एट ए पॉइंट, सोचो थाई फ्लक्स पहुंचता है तो कितना चार्ज इंड्यूस होता है, माइनस थाई एप्सिलॉन जीरो। थाई फ्लक्स, यहां से जो भी फ्लक्स निकलेगा वो पहुंचेगा, यहां से कितना फ्लक्स निकलेगा, ये क्यू कूलम का जो चार्ज है इनर स्फीयर में, इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, डॉट इंटू एप्सिलॉन जीरो, मतलब माइनस क्यू। इसका मतलब अंदर कितना चार्ज होगा, माइनस क्यू। बट यू नो भाई, इंडक्शन टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इज जीरो, अंदर अगर हुआ माइनस क्यू तो बाहर कितना होगा, प्लस क्यू, और ऑलरेडी आप दिए हो उसको थ्री क्यू, वो भी तो बाहर ही रहेगा, तो क्या हो गया चार्जेस, देखो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे फोर क्यू। समझ में आ रहा है क्या? तो आप कहोगे कि द चार्ज अपीयरिंग ऑन द टू फोर सरफेसेस, छोटा सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस में जीरो, इसमें क्यू, इसमें माइनस क्यू, और इसमें फोर क्यू। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो मैं नहीं लिखूंगा और आपको मैं पूछूंगा वो ये है, कभी कभार ऐसे आता है कि ये दोनों स्पीयर को किसी एक वायर से जोड़ दिया गया, सपोज द स्विच इज मेड ऑन, थ्रू स्विच हाउ मच चार्ज विल पास। दो कंडक्टर को जब किसी एक वायर से जोड़ देते हो, दे बिहेव एज ए सिंगल कंडक्टर, सिंगल कंडक्टर को जो भी चार्ज दो सरफेस में जाता है, मतलब सारा अंदर का चार्ज बाहर चले जाएगा, अंदर क्या मिलेगा, जीरो 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 फोर क्यू। समझ में आ रहा है, जीरो 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 फोर क्यू। अच्छा, अब इधर से कितना चार्ज आएगा, जो चार्ज यहां पर था कितना था, क्यू, क्यू ही भागेगा, सो द चार्ज पासिंग थ्रू दिस सर्किट विल बी इक्वल टू क्यू ओनली। मैं नहीं लिखा और बताया, आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये दोनों को जोड़ देंगे q भागेगा, क्यों भागेगा, वैसे भी यहां पर माइनस q था, ये q था, रास्ता मिल गया एक दूसरे को मिलने के लिए, नहीं तो मिलेंगे q माइनस q मिलके जीरो हो जाएंगे,
यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और बाहर रहेगा फोर क्यूब। समझ में आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन, इफ आउटर, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर्स। ध्यान से देखना बेटा, हमें ई पता करना है हर जगह, अंदर और बाहर। किसके लिए? बस केस तो वही है, हमारे पास जो दो स्फीयर है उनके लिए अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हम जानना चाहते हैं। ठीक है, अब अंदर बाहर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। शुरू करते हैं यहां से, यहां पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलिए ये पहला स्पीयर को मैं नाम देता हूं स्पीयर नंबर वन, ये स्पीयर नंबर टू। ई कहां पे? फॉर एक्स लेस देन आर, मतलब यहां पे कहीं, यहां पे कहीं छोटे स्पीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पहला स्पीयर के लिए कुछ होगा, दूसरे स्पीयर के लिए कुछ होगा, दोनों को जोड़ना है। लेकिन सोचो तो, ये जो पॉइंट है, पहला स्पीयर के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? अंदर अंदर होता है जीरो, और बड़ा वाला स्पीयर के लिए अंदर क्या होगा? जीरो। तो दोनों के लिए जीरो है, जीरो प्लस जीरो। क्या जीरो प्लस जीरो टू जीरो होता है? नहीं, वो भी जीरो ही होता है। टू जीरो मत लिख के आ जाना, क्या मालूम कभी कभार दिमाग फिर जाता है किसको किसको किधर किधर, सोचते सोचते जीरो प्लस टू जीरो, टू जीरो लिख के वो लोग आ जाते हैं। नहीं, हाँ अच्छा, चलो चलो बताना मेरे को फिर से, मैं बता रहा हूं अभी एक्स कहां पे? चलो यहां पे कहीं, यहां पे कहीं। तो हम क्या कहेंगे बताओ तो, एक्स का लिमिट क्या कहेंगे? आर से ज्यादा, टू आर से कम। फिर से ई वन प्लस ई टू, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में जो आपका इंटेंसिटी होगा वो स्पीयर नंबर वन के लिए होगा कि स्पीयर नंबर टू के लिए होगा कि दोनों के लिए होगा? दोनों के लिए होगा। वन के लिए होगा, ये पॉइंट टू के अंदर है, उसके लिए जीरो, उसके लिए जीरो हो जाएगा, खाली इसके लिए बनेगा। तो यू से ई टू तो जीरो हो जाएगा, ई वन कितना होगा? अब सेंटर से एक्स डिस्टेंस में, एक्स डिस्टेंस में के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि बाहर हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉइंट चार्ज मान के निकालते हैं। So it is coming out to be k q by x square. अगर मैं निकालूं कहां पे? At a point x greater than 2r, पूरा बाहर। फिर से e1 plus e2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए होगा? e पहला स्पीयर के लिए कि दूसरे के लिए कि दोनों के लिए? दोनों के लिए होगा, दोनों के लिए होगा। यहाँ पे किसी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दोनों के लिए होगा। बाहर किसी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वी कैन कंसीडर दिस स्फेरिकल चार्ज एज ए कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट चार्ज लोकेटेड इन द सेंटर। क्यू को भी सेंटर में लाओ, थ्री क्यू को भी सेंटर में लाओ, टोटल चार्ज हो गया फोर क्यू। सो इट इज के फोर क्यू बाय एक्स स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट, बिट नंबर थ्री। बिट नंबर थ्री में देखेंगे प्लॉट वेरिएशन ऑफ ई विथ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो मैं इसको बनाऊंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा अभी करना मत कुछ, पहले देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर के साथ वेरिएशन प्लॉट करना है। मेरा करने की बात ही आप करोगे, थोड़ा रुक जाओ। यस, और ये थ्री क्यू था, ये क्यू था, प्लॉट करना है वेरिएशन। चलिए मैं कोशिश करता हूं, जो कि शुरू शुरू में मैं गलत बनाने की कोशिश करूंगा, फिर बाद में उसको रेक्टिफाई करूंगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो हुआ यूं
कि यहाँ पर कोई एक कंसेंट्रिक होलोस्पियर्स है, पेयर ऑफ होलोस्पियर्स, और हुआ यूं है कि आपने यहाँ पर इनका वेरिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन प्लॉट करना चाहते हो अबाउट और विद द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक, ये हो गया, मैं प्लॉट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या करें कि ऐसे ले लेते हैं लाइन्स, ड्रा मत करो, सबर करो। अच्छा, यहां तक प्लॉट करने में, ये दिशा से आर, ये है टू आर, यहां तक प्लॉट करने में क्या बाहर वाला स्पीयर का कोई रोल है? नहीं, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसा होता है कोई एक स्पीयर के लिए वही होगा। क्या होगा? आप कहोगे कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कुछ ऐसा होगा, अंदर होगा जीरो, फिर चढ़ेगा ऊपर, फिर चढ़ने के बाद फिर घटेगा, यहां तक घटेगा घटेगा, लेकिन जैसे इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा, अब इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड आने लगेगा, है कि नहीं? देयर विल बी राइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से बढ़ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ड्रॉ मत करना, फिर उसके बाद फिर से घटेगा जैसे जैसे आप दूर जाओगे। तो कुछ ऐसा होगा, यहां तक घटेगा, सडनली जैसे हम इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएंगे, ये अपना गुल खिलाने शुरू करेगा, इसका भी इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, उसके चलते भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके लिए कुछ था, अगर ये वाला नहीं होता तो शायद ये वाला ऐसा कंटिन्यू कर जाता, लेकिन अब ये ऐसे कंटिन्यू नहीं करेगा, सडनली इसके लिए भी इफेक्ट आना शुरू करेगा और ये बढ़ेगा। वेल, समझ में आ गया, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि ये वाला पिक का हाइट ज्यादा होगा कि ये वाला पिक का हाइट ज्यादा होगा, बढ़ेगा जो कितना बढ़ेगा कैसे पता चलेगा, वो हमें देखना पड़ेगा, नहीं? अच्छा, तो चलो काम करते हैं, पता करते हैं ये वाला पिक वैल्यू ज्यादा है कि ये वाला पिक वैल्यू ज्यादा है, ये कौन सा पॉइंट में है, ए में, ये बी में, चलिए निकालते हैं ई एट ए, जस्ट मिनट, ई एट ए अगर निकालेंगे, ए पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके लिए होगा, सिर्फ क्यू के लिए होगा, क्यू के लिए क्या होगा कि क्यू बाय आर स्क्वायर, जबकि ई एट बी निकालेंगे तो ये तो दोनों के लिए होगा, इसके लिए होगा, इसके लिए होगा, अब दोनों को सरफेस में, दोनों को कंसेंट्रेटेड चार्ज कर दो, के फोर क्यू बाई टू आर का, क्योंकि डिस्टेंस अभी टू आर है, सो इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी के क्यू बाई आर स्क्वायर, यस, ये और ये भी दोनों बराबर दिखने लगे हैं, मतलब बात साफ है कि ये इतना ऊपर तक नहीं जाएगा, उतने ही ऊपर तक जाएगा जितना ये गया था, पहला वाला जितना गया था उतने ही ऊपर तक जाएगा और यहां से फिर से घटेगा, आर यू गेटिंग, एंड बोथ ऑफ दीज वैल्यूज विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या बात समझ में आया? हाँ, अगर ये बड़ा होता तो ऊपर लेते, छोटा होता तो नीचे रखते, वो कभी कभार आपको पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट व्हिच पॉइंट, आपको हो गए एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट दे आर इक्वल एंड बोथ आर इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जब भी आपको पूछा जाएगा ऐसे कंडक्टिंग स्पीयर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, कंसेंट्रिक कॉम्बिनेशन, कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे मैक्सिमम है, तो सारे सरफेस में निकाल के देख देना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अक्सर सरफेस में मैक्सिमम होता है, कौन सा सरफेस में, सारा सरफेस में निकाल दो और मैक्सिमम देख लो, समझ में आया क्या? ठीक है, बिट नंबर फोर, सर ड्रॉ नहीं किया सर, तो करो ना, हम आए क्या करने के लिए, ड्रॉ नहीं किए मत बोलो, कॉपी नहीं किए सर, समझ गया तो खुद करोगे, हर कॉपी करने वाला अगले जन्म में जेरॉक्स मशीन बनता है, ध्यान दे, आपका उधर जो जेरॉक्स मशीन है ना, लास्ट ईयर इधर कोचिंग ले रहा था, कॉपी कर रहा था, कॉपियर बन गया। नेक्स्ट बिट नंबर फोर, नाउ इफ आउटर स्पीयर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड व्हाट विल बी चार्ज ऑन आउटर स्पीयर,
प्लॉट वेरिएशन ऑफ ई विथ एक्स द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये कहा गया है करने के लिए। और ये बड़ा खतरनाक हो गया। अब मैं प्लॉट करना चाहता हूं कि अगर आउटर स्फीयर को ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे, ठीक है, आउटर स्फीयर को ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा, क्या होगा आउटर स्फीयर को ग्राउंड के साथ जोड़ो तो। नाउ आई स्विच ऑन द आउटर स्फीयर विद ग्राउंड और मैं प्लॉट करना चाहता हूं ये सारा चीज को। क्या प्लॉट करना चाहता हूं? वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज कंडक्टर हैविंग सम फ्री चार्जेस इफ कनेक्टेड टू ग्राउंड गेट्स न्यूट्रलाइज्ड बाय ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आउटर स्फीयर में, इनर स्फीयर में यहां पे चार्ज था क्यू, यहां पे था माइनस क्यू, यहां पे था फोर क्यू। बताओ ये आउटर स्फीयर की चार्ज ग्राउंड में जाएगा, कौन सा चार्ज? जो फ्री चार्ज है। कौन फ्री चार्ज है? जो फ्रीली मूव कर सकता है। कौन फ्रीली मूव कर सकता है? 4q और माइनस q और बोथ। सोच लो, ये q चार्ज, ये q चार्ज माइनस q को खींच के पकड़ के रखा है। ये q चार्ज पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव को पकड़ के रखा है, इंड्यूस चार्ज को पकड़ के रखा है। ऐसा होता था कि नहीं होता था? जब कोई कंडक्टिंग क्यूब के सामने हम क्यूब कूलम चार्ज रखते थे, इधर नेगेटिव आता था, इधर पॉजिटिव आता था, और इसको ग्राउंड के साथ जोड़ो तो न्यूट्रलाइज होता था। ये न्यूट्रलाइज नहीं होता था क्योंकि ये पकड़ के रखा है, छोड़ेगा तब ना वो फ्री होंगे, है कि नहीं? तो अब कौन सा चार्ज ग्राउंड में जाएगा? 4q। सो व्हाट चार्ज विल गो टू ग्राउंड? व्हाट विल बी द चार्ज इन द आउटर स्फीयर? तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? 4q विल बी न्यूट्रलाइज्ड। अगर 4q चला गया, अरे आप बोलोगे अरे बाहर वाले स्पीयर में हम चार्ज रखे थे 3q, ग्राउंड के साथ जुड़े तो जा रहा है 4q, एक्स्ट्रा चार्ज कहां से आया? ये यूज कर दिया है। समझ में आया क्या? तो आपको कोई पूछेगा चार्ज ऑन आउटर स्पीयर क्या हो जाएगा? अब आउटर स्पीयर में, आउटर सरफेस नहीं बोल रहे, बाहर वाला स्पीयर इज माइनस क्यू। क्या बात समझ में आया? अच्छा ये बात समझ में आया। तो आउटर वाले स्पीयर में होगा चार्ज माइनस क्यू, कहां पे होगा? ऑन द इनर सरफेस। ऑन द आउटर स्पीयर देयर विल बी चार्ज ऑफ माइनस क्यू रिमसा अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, मतलब ऊपर से जा रहा है स्टैंडिंग अंडर, नहीं कुछ कुछ कैसे आएगा, खाली क्यू समझ में आ रहा होगा, क्यू है बस, और ये गोल गोल है। पहला क्लास में क्या करूं? ऐसा होता है। यहाँ पे एक बच्चा आया है, आज उसका पहला क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और सीधे क्लास में टपका है। हाँ, तो बेचारा बड़े परेशान है। आप दुआ करो, अब दबास ये नहीं बनने वाला। अब ये 4q गया ग्राउंड में, है ना, तो रह गया ये q, ये माइनस q। मैं लिखा हूँ क्या 4q गया, गधों को समझाने के लिए ऐसे बोल देते हैं। 4q ग्राउंड में जाता है क्या? नेगेटिव चार्ज आता है, 4q को न्यूट्रलाइज करता है कि नहीं? वो तुम जानते हो, हम जानते हो, बात बात में चलता है ऐसे, है कि नहीं? जैसे तुम लोग व्हाट्सएप में ओडिया लैंग्वेज और हिंदी अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट लगा के लिखते हो, जाई थीलू बोलते हैं ऐसे, व्हाट्सएप वाला भी कंफ्यूज रहता है लोग क्या लिखा है, कभी कभार पढ़ के समझने की कोशिश करता है ट्रैक करने के लिए कौन है। जाई थीलू लिखा है तो समझ में नहीं आ रहा उसको क्या लिखा है इंग्लिश में, लिखता है इंग्लिश अल्फाबेट उड़िया भाषा नहीं, ऐसे ऐसे करके लिखते हो। आजकल तो और ही मॉडर्न हो गया, बिफोर यू आई वॉन्ट टू गो देर, तो सीधा बिफोर यू आई वॉन्ट टू गो देर, लोग कंफ्यूज के क्या लिखा है लड़का बिफोर यू। गुड नाइट को तो और अजीब सा लिखते हैं, गुड नाइट कैसे लिखते हैं? इतना शॉर्टकट लाइफ में, ओह लाइफ इज सो शॉर्टकट, इतना फुर्सत नहीं है किसी के पास। पार्टी वार्टी करते हैं, शादी वादी भी होता है तो कार्ड भी नहीं भेजते आजकल, व्हाट्सएप में भेज देते हैं, बोल के भी फोन करके भी नहीं बोलते हैं कि शादी है आ जाना, नहीं कार्ड भेज दिया। ये तो देखा होगा, ग्रीन टिक हो गया मतलब, ब्लू टिक हो गया मतलब देख लिया होगा, और इधर देखने वाला भी बड़ा चला स्टेप लिस्ट भेज देता है, खत्म, वो भी देख लिया खत्म, नहीं
और वो अपना पार्टी का फोटो करके वो केक एक जो भी किया है उसका फोटो उठा के छोड़ देता है, ये भी यम्मी यम्मी फोटो करके छोड़ देता है, एक पैसा का खर्चा नहीं, नहीं मस्त पूरा खुद बनाओ खुद खाओ सब कुछ। यूट्यूब में क्या क्या होने लगा है आजकल सब कुछ। और इंटरेस्टिंग और भी ये है कि शादी करने वाले लड़का लड़की भी एक जगह नहीं होते हैं, वो दूर दूर होते हैं और इंस्टाग्राम पे शादी हो जाता है, ये बोला वो बोला, दे आर फॉलोइंग ईच अदर, खत्म। नहीं एक दूसरे को फॉलो किया काम निकल गया, क्या यार फिर कब मिलेंगे ठिकाना नहीं सब कुछ। कुछ दिन YouTube इंप्रूव कर रहा है अभी, कुछ दिन के बाद तो लोग देखोगे सब कुछ YouTube से ही होगा, सब कुछ YouTube से। ठीक तो ये हो गई हमारा, जैसे हम क्लोज किए 4Q गया माइनस क्यू, हमें अभी प्लॉट करना है वेरिएशन ऑफ E। थोड़ा प्रीवियस फिगर को देखिए, ये फिगर में E का प्लॉट किए, यहां तक का जो वेरिएशन था वो ये था, उसके बाद क्यों बदलाव आया, क्योंकि यहां पर कोई चार्ज था कि नहीं। सोचो हम इससे बाहर जाएंगे, मान लो कि अब यहां पे अगर 3Q की जगह होता माइनस क्यू, तो जैसे हम बाहर गए टोटल चार्ज कितना हो गया, बड़ी तो कंसेंट्रेटेड चार्ज इनसाइड, अगर ये क्यू है ये माइनस क्यू है टोटल चार्ज अंदर हो जाएगा जीरो, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं है कि नहीं। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे अगर मैं प्लॉट करना चाहूंगा हाउ इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, ध्यान से देखो, ये हुआ एक देखता हूं कि जो प्लॉट में करूंगा वो अंदर तो जाएगा जीरो, अंदर जाएगा जीरो, फिर चढ़ेगा ऐसे, फिर उतरेगा ऐसे, लेकिन इससे जब बाहर जाएगा, इससे बाहर किसी भी एक पॉइंट के लिए, ये वाला पॉइंट के लिए व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड, जीरो, क्योंकि अब बाहर वाला स्फीयर का चार्ज गायब हो चुका है, अंदर क्या रह गया क्यू एंड माइनस क्यू, व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड जीरो, व्हाट इज द नेट फ्लक्स कमिंग आउट जीरो, और नेट फ्लक्स कमिंग आउट जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो, मतलब डायग्राम तो सिंपल सा बन गया, ये आएगा ऐसे सीधा और फिर चलेगा ऐसे, रीडिंग द डायग्राम बिकम्स लाइक दिस, दिस इज व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आर में और टू आर में रहेगा, इसके बीच में ही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ना अंदर है ना बाहर है। So you are now enclosing the electric field only in the space. वो ये डायग्राम नहीं पूछेंगे, वो क्या पूछेंगे, इन दिस केस इफ द आउटर स्फीयर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवेलेबल इन रीजियन ए, इन रीजियन बी, इन रीजियन सी, इन ऑल द थ्री रीजियंस, कहां पे, ओनली बी पे, ए में जीरो है, सी में जीरो है, समझ में आ रहा, इतना पूछेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहां पर होगा, आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कितना खूंखार बन सकता है। ठीक है, हम कंडक्टिंग स्फीयर की बात देख ली, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहां पे चलो मानते हैं कि देयर आर सम कंडक्टिंग प्लेट्स, ये एक प्लेट है और ऐसे ही और भी सारे प्लेट है, ये एक प्लेट है और ये भी एक प्लेट है, ऐसे करके तीन प्लेट रखे हुए हैं, नाम इनका एबीसी है, देयर विद अ स्मॉल सेपरेशन, थ्री कंडक्टिंग प्लेट्स हैव हेल्ड पैरेलल विद स्मॉल सेपरेशन, सेपरेशन काफी छोटा है, बहुत ज्यादा नहीं है, पास पास है, स्मॉल सेपरेशन, वेयर
गिवन चार्जेस क्यू टू क्यू एंड माइनस सिक्स क्यू, ऐसा सिक्स क्यू माइनस इतना बड़ा क्यों देते हैं, सिक्स क्यू दे देते हैं, और तीन से थ्री क्यू, चलो खत्म। इवन चार्जेस थोड़ा वैल्यू बदल देते हैं, बीच वाले को थ्री क्यू, साइड वाले को टू क्यू कर देते हैं, कोई तकलीफ नहीं। वाटर वाटर चार्जेस अपीयरिंग ऑन सिक्स सरफेसेस, तीन प्लेट का छह सरफेस है, ये वेरी पॉपुलर क्वेश्चन एंड आई डिड दिस क्वेश्चन ऑनली बिकॉज वो सारे जो रिजोनेंस वाले हैं, फिटजी वाले हैं, सारे इस क्वेश्चन को करवाते हैं, लेकिन सबका मेथड अलग अलग है और बहुत ही लंबा लंबा है। आपको वो चुटकी में सारा आंसर मिल जाएगा अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो, उनका तरीका ही पूरा गड़बड़ है, बहुत डिफिकल्ट तरीके से निकालते हैं। इफ यू गो फॉर अरिहंत बुक ऑल्सो द कैलकुलेशन मेथड इज प्रोसेस फॉलोड इज वेरी टिपिकल एंड डिफिकल्ट। क्या दिया गया है, ऐसा तीन ठो कंडक्टिंग प्लेट है, एक प्लेट को चार्ज दिया गया कितना क्यू, इस प्लेट को चार्ज दिए हम क्यू, इस प्लेट को चार्ज दिए थ्री क्यू और इस प्लेट को चार्ज दिए टू क्यू। पूछा है बताओ ये छह सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएंगे। फॉर सच ए क्वेश्चन यू नीड नॉट राइट एन एक्सप्लेनेशन, वी विल हैव टू गिव द आंसर्स ओनली, ठीक है। और दिस कॉन्सेप्ट विल बी फर्दर यूटिलाइज्ड इन द चैप्टर कैपेसिटेंस, दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू, व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे करके पूछेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग चार्ज तक जाके खत्म करते हैं, ठीक है। अब यू अप्लाई योर फंडामेंटल मेथड्स, whenever you give charge to a conductor that gets distributed over the surface and that too uniformly, agar ye q hai to idhar wala surface dono pe barabar distribute ho jayega, hai ki nahi, aur ye q by 2 charge se jo flux niklega isse jo niklega wo idhar bhagega, isse jo niklega wo idhar bhagega to idhar pahunchega kyunki iske bagal mein, bagal mein to flux charge yahan par jaake pahunchega। क्यू बाई टू से निकलता हुआ सारा फ्लक्स जब इस सरफेस पे आके पहुंचेंगे ये वाले सरफेस पे, तो आप क्या कहोगे कितना चार्ज इंड्यूस करेंगे वो, माइनस क्यू बाई टू, सारा फ्लक्स पहुंच रहे हैं। अब इधर माइनस क्यू बाई टू इंड्यूस करेगा तो इधर करेगा प्लस क्यू बाई टू, फिर से इस प्लस क्यू बाई टू से फ्लक्स इधर जाएगा क्योंकि इधर तो जा नहीं सकता कंडक्टिंग प्लेट है, तो इधर क्या करेगा माइनस क्यू बाई टू, इधर प्लस क्यू बाई टू। सिमिलरली फॉर थ्री क्यू, that 3q will be equally distributed on these plates, 3q by 2, 3q by 2, hai ki nahi, idhar ho jayega minus 3q by 2, minus 3q by 2 aur idhar plus 3q by 2, idhar minus 3q by 2 aur idhar plus 3q by 2। similarly for 2q kya hoga, इधर होगा q, इधर होगा q, इधर होगा माइनस q, इधर होगा प्लस q, इधर होगा माइनस q, इधर होगा q। आर यू गेटिंग, वो लोग बहुत ही लंबा चौड़ा तरीके से करते हैं, लेट अस अस्यूम द चार्जेस हियर आर q1 q2 q3, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं करते हैं, बड़ा डिफिकल्ट है उनका मेथड, पढ़ोगे तो एकदम समझ में नहीं आएगा। ये तो आप चुटकी से कर दिए, अब पता चला कि आपको ये सरफेस में क्या चार्ज मिला, ये तीन q by 2 plus 3q by 2 हो गया 4q by 2, that is 2q plus q is 3q, और ये वाला सरफेस में minus 3q by 2 minus q और minus 3q by 2 plus q by 2 मिलके हो गया minus q, minus q minus q minus 2q, ठीक है। ये वाला सरफेस पे देखो तो इधर है q, इधर है 3q by 2, नहीं q is nothing but ये minus q by 2 गया, 3q by 2 minus q by 2 is q plus q is 2q। ये वाला सरफेस पे निकाल के देखो it should come q, ये वाला सरफेस पे minus q और ये वाला सरफेस पे समझ में आया क्या, ऐसा करके हम छह सरफेस में चार्ज बता दिए।
अब इससे भी आसान है चार्ज बताना, थोड़ा नोटिस करोगे तो आप देखोगे ये वाला जो आउटर सरफेस में जो चार्ज है, ये वाला आउटर सरफेस में वही चार्ज है, और वो क्या है, सम ऑफ ऑल द चार्जेस बाय 2, q प्लस 3q प्लस 2q हो गया 6q, उसका आधा 3q इधर 3q इधर, yes, समझ में आया क्या? आपने इसको दिया q, इधर है 3q, तो इधर हो रहा है क्योंकि टोटल चार्ज इसमें क्या है, q है, तो इधर 3q आ गया, तो इधर हो रहा है माइनस 2q, क्योंकि टोटल कितना बनना है इस प्लेट पे, इंड्यूस चार्ज तो नेट इंड्यूस चार्ज तो जीरो है, जो चार्ज दिए वही रहेगा, ये सारा चार्ज को मिला देंगे तो क्या बनेगा, q ही तो बनेगा, इधर अगर 3q हो गया तो इधर होगा माइनस 2q, और इधर माइनस 2q हुआ तो उसके सामने प्लस 2q, इसमें दिए थे 3q, इधर हो गया 2q, तो इधर हो गया q, q के सामने माइनस q, इधर माइनस q हो गया 2q से माइनस q इधर हुआ तो बाकी 3q इधर, सो दैट वे आल्सो यू कैन वेरी इजीली डू इट, समझ में आया क्या? हाँ, मैं इसलिए बताया क्योंकि दो प्लेट वाला कॉम्बिनेशन में लास्ट ईयर जो आपका कोरोना से पहले हुआ था फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, उसमें आया था चार्जेस, मैं तीन प्लेट का करवा दिया, ठीक है, बस आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए वी वांट टू गो फॉर ए चेक। मैं अगर सीधा सीधा यहां पर सिमिलर क्वेश्चन एक देता हूं कि यहां पर है एक प्लेट, चलो सोचते हैं यहां पर है दूसरा प्लेट और यहां पर है तीसरा प्लेट, वही तीन कंडक्टिंग प्लेट है पास पास है, इसको दिए 2q, इसको दिए 4q और इसको दिए माइनस 3q, ठीक है, इसको 2q की जगह q कर दो, q कर दो, पहला वाले को दिए q, दूसरे वाले को 4q, तीसरे वाले को माइनस 3q, क्या आप सीधा सीधा बता सकते हो बड़ी द चार्ज हियर, तीनों को जोड़िए Q, 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 Q है कि नहीं, yes, यहाँ पर अगर Q हो गया यहाँ पे क्या चार्ज होगा, इसको तो दिए थे Q, पूरा का Q इधर है, अबे इस प्लेट में टोटल चार्ज क्यों है, Q तो इधर ही है, तो इधर क्या है जीरो, अगर जीरो हुआ तो सामने क्या होगा जीरो, इसमें क्या होगा 4Q दिए जीरो इधर है तो इधर होगा 4Q और इधर माइनस 4Q और इधर इसमें जितना होता है माइनस 3Q से माइनस 4Q इधर है मतलब इधर प्लस Q होगा, हम बताए थे ये सरफेस ये सरफेस में बराबर होता है, बन गया ना फटाफट, यू मस्ट लर्न हाउ टू गेट द आंसर्स, समझ में ठीक है, ड्यू टू ए लॉन्ग लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 2 meter इज ई जीरो, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3 meter from it, इससे 3 meter दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ड्यू टू ए लॉन्ग लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 2 meter इज जीरो, है ना, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3 meter फ्रॉम इट, कोई एक लंबा सा लाइन चार्ज है और इसके चलते 2 meter पे यू नो एट ए डिस्टेंस 2 meter फ्रॉम हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, अगर ये कोई एक चार्ज है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यू नो दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, अगर इसमें लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, लैम्डा बाय 2πε(x), है ना, ये बात है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, E is proportional to 1/x, इसका मतलब हुआ अगर x1 डिस्टेंस में E1 है तो x2 डिस्टेंस में E2 है, तो आप कहोगे E1 x1 must be equal to E2 x2, दिया है कि 2 meter दूरी पे जब x1 है 2 meter,
E1 है E0, जब H2 है 3 मीटर, E2 कितना है? ये कितना सिंपल है, that everyone can do. What is E2 coming out to be? E0 into 2/3. 2E0/3. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Two long line charges with linear charge densities lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are held parallel at a gap 2R. दो लाइन चार्ज है, एक ये लॉन्ग, दोनों लॉन्ग लाइन चार्ज है और इन दोनों का बीच में डिस्टेंस है 2R. ये दूसरा है 2R है, इसमें चार्ज रखा है लैम्ब्डा कूलम पर मीटर, इसमें चार्ज रखा है माइनस लैम्ब्डा कूलम पर मीटर, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2R. ये और बोर्ड का क्वेश्चन है, तो पूछा है मिड पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा. What is the electric field here at the midpoint? We want to know. Nidhi? Nidhi? Yes, sir. यहाँ पे जो electric field होगा, ये lambda coulomb per meter वाला जो charge है, उसके चलते वो किस direction में होगा? Towards left होगा कि towards right होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग प्लस वन कूलम चार्ज रखते हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इसके लिए चलो इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2, तो ये हो जाएगा E1. और ये जो माइनस लैम्ब्डा कूलम पर मीटर है उसके लिए क्या होगा, किधर को होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, E2 विल बी लाइक दिस. Here both E1 and E2 will be same in magnitude lambda by 2 pi epsilon not r, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस r है और दोनों सेम डिरेक्शन में है. E net is E1 plus E2, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डिरेक्शन में है, तो हो जाएगा lambda by pi epsilon not into r. The electric field is lambda by pi epsilon not into r. आया समझ में? ये हो गया सॉल्यूशन, छोटे छोटे क्वेश्चन से चाहेंगे. नेक्स्ट, सो हियर इज अ क्वेश्चन गिवन, ए लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ लैम्ब्डा कूलम पर मीटर इज अलोंग जेड एक्सिस, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड मास एम इज रिवॉल्विंग अराउंड इट इन ए सर्कुलर पाथ, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल. ऐसे पूछा, पूछा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगा. ठीक है, तो सोचो कि यहाँ पे कोई एक लॉन्ग लाइन चार्ज है व्हिच इज अलोंग जेड एक्सिस, इसमें चार्ज कितना है लैम्ब्डा कूलम पर मीटर, कोई दूसरा है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसके चारों तरफ घूम रहा है. क्यों घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? अगर हम कहेंगे यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू जिसका मास एम है, वो घूम रहा है, तो उसका स्पीड कितना है, ऐसे पूछा है. विथ व्हाट स्पीड इट इज मूविंग, आप जानते हो कोई भी चीज को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर मींस टुवर्ड्स दिस. क्या आप गेस कर सकते हो कि इस डायरेक्शन में यहाँ पर इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है? हम जानते हैं कि ड्यू टू दिस लैम्ब्डा कूलम पर मीटर द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर विल बी लैम्ब्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन एक्स व्हिच इज दिस, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा फोर्स आता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड कितना फोर्स आता है, E into Q. लेट रेडियस ऑफ सर्किट इज इक्वल टू R, ये हमें दिया नहीं गया है, ई एट चार्ज, चार्ज के पास ई का वैल्यू क्या है, यहां से r डिस्टेंस में, यू नो इट इज लैम्ब्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r. इफ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर देन f फोर्स ऑन चार्ज माइनस q कितना होगा, eq, कितना है ये लैम्ब्डा q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r,
कोई माइनस क्यू कूलम चार्ज के ऊपर भी फोर्स इक्यू होता है, कोई प्लस क्यू कूलम चार्ज के ऊपर भी फोर्स इक्यू होता है, बस डायरेक्शन में अंतर होता है। प्लस क्यू कूलम के ऊपर फोर्स होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू कूलम के ऊपर फोर्स होता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली अवे फ्रॉम दिस लाइन चार्ज एंड द फोर्स इज रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर, सो दिस फोर्स इज टू बी ट्रीटेड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लिखेंगे हम इस केस में? This electric force behaves as centripetal force. Centripetal force. तो हम क्या कहेंगे? Centripetal force का formula मालूम है? mv square by r is equal to lambda q by 2 pi epsilon naught r. आर अननोन था लेकिन फर्क नहीं पड़ा, कैंसिल हो गया, तो भी क्या हो गया? लैम्ब्डा क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम का रूट ओवर, सो द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज दिस। पुराने बोर्ड का ही क्वेश्चन है और जी वगैरह में भी आ चुका है, मेडिकल एंट्रेंस वगैरह में भी आ चुका है। क्या मैं सबको समझा पाया? यस yes. अगला क्वेश्चन। A क्यूबिकल कंडक्टिंग बॉक्स हैज वन फेस ओपन, चार्ज Q वाज केप्ट एट सेंटर ऑफ बॉक्स, फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉक्स। कोई बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है जिसका एक फेस ओपन है बाकी सारा फेस बंद है, मतलब निचला हिस्सा खुला है, उसका सेंटर में कोई चार्ज Q रखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड द केस। तो क्या लिखोगे? फ्लक्स जेनरेटेड, कितना फ्लक्स जेनरेट होगा क्यू कूलम चार्ज से? यू नो क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। यहां से जो फ्लक्स निकलेगा वो तो चारों तरफ जाएगा, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। क्या बता सकते हो कितना फ्लक्स क्यू को टच करेगा? क्योंकि फ्लक्स तो चारों तरफ इक्वली जाएगा, द फ्लक्स विल गो इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। क्यू हैव गॉट सिक्स सरफेसेस, छह ठो सरफेस है, सेंटर में चार्ज है, चारों तरफ फ्लक्स जा रहा है। अगर ये डिब्बा बंद होता तो चारों तरफ सारा फ्लक्स पहुंचता है, एक फेस खुला है तो उधर से कुछ फ्लक्स बाहर निकल जाएंगे। निकल जाएंगे कि नहीं? कितना फ्लक्स निकल जाएंगे? 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल फ्लक्स, बाकी तो पहुंचेंगे। तो आप क्या कहोगे? फाइव फ्लक्स रीचिंग द क्यूब, क्यूब के पास पहुंचता हुआ फ्लक्स कितना है? इट इज 5/6 पार्ट ऑफ टोटल फ्लक्स। कंडक्टिंग क्यूब में कितना फ्लक्स पहुंचेगा? इतना फ्लक्स पहुंचेगा, क्यों? बाकी फ्लक्स का क्या हुआ? वो जो डिब्बा खुला था उधर से निकल गया क्यूब बाई सिक्स, सारे सरफेस से बराबर निकलेगा क्योंकि सेंटर में है ना, छेटो सरफेस होता है। अच्छा, सो क्यू चार्ज ऑन और चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इनर सरफेस, इनर सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा? अरे ये फ्लक्स इनर सरफेस पे पहुंच रहा है तो कितना चार्ज इंड्यूस होगा? यू से इट इज माइनस फाइव एप्सिलॉन जीरो, करो तो माइनस फाइव एप्सिलॉन जीरो करो तो फाइव का वैल्यू ये है, माइनस फाइव एप्सिलॉन जीरो करो तो माइनस फाइव क्यू बाई सिक्स। तो अंदर वाले सरफेस में कितना चार्ज मिलेगा? माइनस फाइव क्यू बाई सिक्स, लेकिन पूछा कुछ दूसरा है, फाइंड चार्ज अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉक्स। अब क्या कहोगे? व्हाट इज द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस? प्लस फाइव क्यू बाई सिक्स, द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस विल बी चार्ज ऑन आउटर सरफेस, क्योंकि इंड्यूस चार्ज हरदम इक्वल एंड अपोजिट होता है, टोटल चार्ज इंड्यूस्ड जीरो होता है, सो चार्ज ऑन आउटर सरफेस क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 5q/6। समझ में आया? अगला, बस यहां पे हमारे सारा क्वेश्चन खत्म होते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।
जय जय जय।